तो कहानी शुरू होती है 1956 में फ्रांस से हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आकर फादर की अक्सर कामों में मदद किया करता था फादर बहुत ही पावरफुल थे वो बच्चा आज के दिन अपना सारा काम खत्म करता है और वाइन शराब को रखने नीचे चैपल में जा रहा होता है चैपल दरअसल एक छोटे गिरजाघर को कहते हैं यानी कि छोटा चर्च तभी उसे यहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है और एक खौफ ना कवाज आती है वो बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था और जाकर फादर को बुलाता है जब उधर फादर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर होली वाटर यानी कि वो पानी जिससे भूतों आत्माओं को भगाया जा सकता था या फिर कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता वो वहाँ पर तेज उबल रहा था जिसके बाद वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है उधर एक साया भी नज़र आता है और फिर एक खौफनाक मंजर आंखों के सामने था ये साया किसी और का नहीं बल्कि डीमन नंद का था जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर मार देती है चर्च के ऊपर वाले हिस्से में वो डीमन नंद दिखाई जाती है उधर ही हम एक आदमी को बैग ले जाता देखते हैं। अब आगे कहानी में हमें एक सिस्टर आयरीन दिखाई जाती है वो एक दूसरे चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी वहीं पर एक लड़की डेबरा भी थी जिसको उसके डैड ने चर्च में भेजा था आयरीन उससे बात करती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे उसे इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि आयरन को अक्सर जो कुछ भी बुरा होने वाला होता था उसे पहले ही पता चल जाता था खैर अब यहाँ पर चर्च में नन डीमन के बारे में बातें चल रही थी अब कहानी शिव दोबारा से फ्रांस में होती है हम एक हॉस्टल स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मॉरिस नाम का एक आदमी काम क्या करता था उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी वो मॉरिस से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती है उसकी वजह ये थी की उस मैडम का बेटा कुछ सालों पहले इसी स्कूल की चैपल में मर गया था जिस वजह से वो चिड़चिड़ी हो गयी बस यही बचा थी कि वो हर किसी से गुस्से में बात किया करती थी इसी स्कूल हॉस्टल में एक बहुत प्यारी बच्ची सोफी भी पढ़ती है उसके मॉरिस से काफी अच्छी दोस्ती होती है यहीं पर कुछ लड़कियां जो अक्सर सोफी को तंग किया करती थी मॉरिस उन्हें उनसे हमेशा बचाता मगर मॉरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ थी वो अजीब अजीब हरकतें किया करता था एक दिन एक लड़की जब स्कूल में सामान देने आती है तो वो मॉरिस को अजीब हालत में देखती है वो बाहर बैठा काक्रोचेज खा रहा था क्यूँकी काक्रोचेज लाल बेग को साफ करने के लिए इसी स्कूल की मैडम ने बोला था मॉरिस के अंदर से अचानक से डीमनन बाहर आती है और उस लड़की को मार देती है उसके अंदर भी डीमन नन थी मतलब जिस आदमी को हमने कहानी के शुरू में देखा जिसके हाथ में बैग था वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था जिसके अंदर नन थी वो डीमन नन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी इसके पीछे कोई तो राज छुपा हुआ था जो हमें आगे आगे कहानी में पता चलेगा उधर आयरिन को भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे उसे सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो उसे मदद मांग रहा था तभी अचानक से डीमन नन आकर उसको डराती है जिससे उसकी आंखें खुल गई थी जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है एक दिन वही लड़कियाँ जो सोफी को तंग किया करती थी उसे चैपल में लेकर जाती हैं। जहाँ पर मैडम ने सबका जाना बंद किया था वहीं पर खिड़की पर एक बकरी बनी हुई थी वो उसके साथ गेम खेलती हैं। कहती हैं जाओ जाकर तुम्हें उस बकरी की आंखों में टॉर्च चला देखना है वो आंखें डीमन की हैं। अगर तुमने जरा भी ध्यान हटाया तो डीमन आकर तुम्हें मार देगा जब सोफी उसी को देख रही थी तो तंग करने वाली लड़कियाँ चालाकी ऐसी वहाँ ऐसी चली जाती है सोफी अब बिल्कुल अकेली थी तभी अचानक ऐसी उधर हलचल होने लगती है उधर सोफी को डीमन नन नजर आई थी जिससे वो डर जाती है खैर तभी मोरिस वहाँ पर आकर उसे बचाता है दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरन को दिखाया जाता है जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मुख्तलि शहरों में फिर से प्रीस्ट और नन मारे जा रहे हैं वो बताते हैं कि फ्रांस में एक फादर को चलाकर मार दिया गया ये उसी फादर की बात कर रहे थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था वो कहते हैं डीमन नन दोबारा आ गई है वो मरी नहीं जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया था तुम दोबारा से उसे हरा सकती हो आयरन कहती है नहीं अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो कहते हैं नहीं अब तुम्हे ये सब देखना होगा क्यूँकी दुनिया और इंसानियत की बात है तुम्हे ही इस केस की जाँच करनी होगी सारी बातें सुनकर सिस्टर आयरिन अपने डर आरोप काबू पाती है और चल देती है केस को हल करने के लिए आयरिन फ्रांस के लिए निकल जाती है जहाँ पर फादर को जलाकर मारा गया था तभी चुपके से उसके साथ डेबरा भी ट्रेन में आकर बैठ जाती है आयरीन जब ये देखती है तो कहती है तुम्हे ऐसा नहीं आना चाहिए था अगर ऐसे चर्च में पता चल गया तुम बिना बताए ऐसे मेरे साथ आ रही हो तो चर्च वाले तुम्हें निकाल देंगे डेब्रा कहती है ऐसा कुछ नहीं होता तुम जानती हो मेरी मोम भी जल मरी थी मुझे कोई भी मेरेकल्स मौज ऐसी होते हुए नजर नहीं आए ये सारी बातें सुनकर आयरीन कहती है कि जब यकीन होता है तो बड़े बड़े मुआजे होते हैं खैर ये दोनों फ्रांस पहुँच जाती है चर्च में पहुँचते ही आयरिन को दोबारा ऐसी उसी बच्चे का ख्याल आता है जिस बच्चे को हमने कहानी के शुरू में फादर के साथ देखा था अब वो उसे वहाँ आरोप खेलता हुआ नजर आता है जब आयरिन उस दिन के हादसे के बारे में उस बच्चे ऐसी पूछती है तो वो बताता है कि हाँ मैंने उस दिन चर्च में साया देखा था तभी उसे यहाँ पर नन दिखाई देती है यहाँ पर लाइब्रेरी में किताबें खुद ही पलट कर नन का रूप ले लेती हैं। वो डीमन नन ने आयरिन का गला दबा दिया था तभी आयरिन को एक और नन दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी तभी वो गिर कर बेहोश हो जाती है यहाँ पर जल्दी से डेबरा आती है जिसने उसे संभाल लिया था उधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे मॉरिस के अंदर भी डीमन नन बार बार आती इसी वजह से सब स्कूल में बहुत ज्यादा डरे हुए थे हॉस्पिटल में अब जल्दी से आयरिन को भी होश आ गया था यहाँ पर अब उसे याद आता है कि आखिरी बार उसे डीमन नन से मॉरिस नहीं बचाया था और जब से ही उस डीमन नन ने मॉरिस को पोजेस्ट अपने कंट्रोल में किया हुआ है अब डेबरा उसके पास आती है और बताती है कि एक बच्चा उसे हॉली क्रॉस का निशान देकर गया है ये वो ही बच्चा था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान था जितने भी लोग मरे थे ये निशान उन सब के होली क्रॉस पर भी बना हुआ था लाइब्रेरी में जाकर उन्हें पता चलता है कि ये निशान एक खानदानी निशान है जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लुइस के खानदान से जुड़ा हुआ है और जिस नन प्रीस्ट को आयरिन ने अपने ख्याल में देखा था जिनकी आंखें निकाली जा रही थी वो सेंट लुइस की आंखें थी जो कि एक बहुत ही ताकतवर चीज है जिसको कहीं पर छुपाया गया है आयरिन को पता चलता है की ये सभी लोग सेंट लुइस के खानदान से है जो मर चुके हैं उस डीमन नन का खास मकसद था वो सभी सेंट लुइस के खानदान वालों को मारकर उनकी आँखों तक पहुँचना चाहती थी वो उन आँखों को इसलिए चाहती थी कि उससे उसकी गई हुई सारी पावर ताकते वापस आ जाएं। यहीं पर लाइब्रेरियन आई को ये भी बताता है कि वो डीमन नन पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी ताकतों को छीन लिया उस जगह का पता भी बताता है जहाँ पर जाकर सारी चीजों के बारे में उन्हें जानकारी मिल सकती है वो बताता है वो आंखें यहाँ से कुछ दूर एक खाली चैपल में दफन की गई हैं, जहाँ पर पहले वाइन शराब की भी एक फैक्ट्री हुआ करती थी मगर बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया लाइब्रेरियन उसी हॉस्टल स्कूल की बात कर रहा था जहाँ पर मॉरिस काम करता था मतलब मॉरिस उस हॉस्टल स्कूल में काम के बहाने उन्हें आंखों को ढूंढ रहा था यानी कि वो डीमन नन जिसने मॉरिस को कंट्रोल किया हुआ था वो उन्हीं को ढूंढ रही थी ये सुनते ही आयरिन और डेबरा हॉस्टल की तरफ निकल पड़ती है तभी हम देखते है की मॉरिस को न जाने क्या हो गया था वो उसी चैपल के आगे बैठा अपने सर को मार रहा था जिसे स्कूल की मैडम भी देख लेती है वो उसे होश में ला कहती है की तुम्हारी तबीयत नहीं थी जाओ जाकर थोड़ी देर आराम करो मॉरिस बस बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं जानता मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ तभी मैडम को उसी चैपल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जब वो वहाँ पर ताला खोलकर देखने जाती हैं तभी उन्हें वहाँ पर अपने ही मरे हुए बेटे का भूत दिखाई देता है जो उन्हें डरा रहा था यहाँ पर मैडम के बेटे की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डीवन नन ही कंट्रोल कर रही थी अब वो मैडम के बेटे की आत्मा का इस्तेमाल करके उसी से मरवा मरवा कर मैडम को मार देती है मैडम की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में थी जिससे अब सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे डर गए थे रात को जब सब बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मॉरिस और सोफी की मॉम डांस कर रहे थे तो अचानक से मॉरिस की तबीयत खराब होने लगी थी उसकी गर्दन पर जो क्रॉस का निशान बना हुआ था उसका अब बहुत बुरा हाल हो चुका था उधर आयरीन और डेबरा भी हॉस्टल में पहुंच गई थी जो कि सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से अब दूर रहने का बोलती हैं क्योंकि आयरीन जान गई थी कि मॉरिस के अंदर डीमन नन का कब्जा है तभी तो वो डीमन नन मॉरिस के अंदर जाकर बोलती है हेलो सिस्टर इतना कहकर मॉरिस उसी चैपल की तरफ भाग जाता है उसे छोटे चर्च की तरफ जाता देखकर कर उसे रोकने की कोशिश करती है मगर उस नन ने आयरिन पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया था डेब्रा भी उस डीमन नन को रोकने की कोशिश कर रही थी मगर वो नहीं रोक पाती तभी सिस्टर आयरीन उठकर दोबारा से कुछ पढ़ने लगती है जिससे मॉरिस के अंदर की डीमन नन कमजोर हो गयी थी तभी डेबरा जल्दी ऐसी जाकर पीछे ऐसी मॉरिस के सर में कुछ देकर मारती है जिससे वो बेहोश हो गया था वो उसे बांध एक जगह आरोप बिठा देती है ताकि वो यहाँ ऐसी कहीं जाना पाए और अब अपने साथ कुछ सिस्टर्स को लेकर आयरीन और डेब्रा चैपल के अंदर जाती हैं ताकि उन्हें वहाँ वो आंखें मिल जाएं जो डीमन ढूंढ रही थी सोफी भी उस छोटे चर्च में उनके साथ जाती है वो उन्हें वो खिड़की भी दिखाती है जिस पर बकरी बनी हुई थी वो कहती है कि क्या पता सेंट लुइस के खानदान वालों ने इसे बनाया हो ताकि अगला कोई भी उनसे जुड़ा हुआ या उनके खानदान से यहाँ पर आए तो उसे वो आंखें मिल जाएं। वो बताती है कि अगर इस बकरी की आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमकती हैं अब ये देखने के लिए डेबरा हाथ में पकड़ी टॉर्च को जब उसके ऊपर मारती है तो उस बकरी की आंखों से लेजर रोशनी निकलती है जो इन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ पर दफन है अब ये उसे निकाल लेती हैं जो एक बक्से में बंद थी तभी मॉरिस भी जाग गया था बाहर सभी बच्चों को डीमन नन अपने असली रूप में आकर डराने लगती है डेबरा उधर जाकर उन बच्चों को बचाती है ये भाग कर सभी एक कमरे में चले गए थे जहाँ पर उसी मैडम का भूत इनको डराता है जिसको चैपल में डीमन नन ने मारा था उधर सोफी के साथ आयरीन भी थी उधर वो मॉरिस भी आ गया था जो सिस्टर आयरीन से वो खास आंखें छीनने की कोशिश करता है मगर उन्हें सोफी लेकर भाग चाल जो की एक बक्से में बंद थी सोफी जैसे तैसे करके उससे बचकर भाग रही थी वो ऊपर पहुँच जाती है जहाँ पर एक साइड से बिल्डिंग भी टूटने वाली थी ये सब कुछ उन्हीं आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था तभी उनमें से एक तेज पीले रंग की रोशनी बाहर आती है जिसके करीब अब डेमन नन भी नहीं आ सकती थी मगर फिर भी मॉरिस यानी कि उसके अंदर डीमन नन सोफी के पास जाने वाली थी तभी उधर आ जाती है जो उससे वो लेकर दरमियान में रख देती है जिससे बहुत ही ताकतवर रोशनी बाहर आती है और उस वजह से मॉरिस अब तड़पने लगा था सबको ऐसा लगता है कि वो मर गया ये देख कर सोफी बहुत दुखी होती है क्यूँकी मॉरिस उसका बहुत अच्छा दोस्त था अब जब उसे चेक करनी आयरिन उसके पास जाती है मगर वो जिंदा था ये सिर्फ डीमन नन की एक चाल थी इन्हें फसाने की अब वो डीमन नन जल्दी से वो आंखें उठा लेती है सारी ताकत उसे दोबारा मिल गई थी वो दोबारा से अब अपने असली रूप में आ गई थी वो आंखें अब उसकी आंखों में थी फिर वो हॉस्टल में एक बच्ची को पकड़ कर जो हमेशा सोफी को तंग किया करती थी उसके मुँह के अंदर वो नन अपने नाखून गड़ा देती है वो डीमन नन इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो आयरिन को उसी तरह हवा में उठाकर मारने वाली थी जैसे उसने कहानी के शुरू में फादर को मारा था तभी यहाँ पर आयरिन को अपनी मॉम नजर आती हैं। उनकी आंखें भी चमक रही थी मतलब कि आयरिन भी सेंट लुइस के खानदान से थी उसके अंदर तो खुद ताकत थी वो अपने अंदर की पावर्स को चका कर उस आग को बुझा देती है जो डीमन नन ने उसे लगाई थी मतलब कि अगर आप सेंट लुइस के खानदान से हो तो उन बुरी ताकतों को हरा सकते हो अब ये सब देखकर कर डीमन नन बहुत ज्यादा चिड़ जाती है इसलिए वो सोफी पर हमला करती है आयेन यहाँ पर सबको प्रेयर इबादत करने का कहती है और ये बात नोटिस करती है कि इधर वाइन है क्योंकि जैसे लाइब्रेरियन ने, ने बताया था कि उधर पहले वाइन फैक्ट्री भी हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रेयर इबादत करने से वो जीजिस का खून बन जाती है अब वो दोनों यकीन के साथ जब ये सब करती हैं वो वाइन खून में तब्दील होकर उस डीमन नन को खत्म कर देती है आयरन ने उसे हेल नर्क दोज में भेज दिया था हमें सब कुछ बिल्कुल ठीक होता दिखाया जाता है अब कहानी के आखिर में हमें दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दिखाए जाते हैं जो कि भूत प्रीत आत्माओं से बात कर सकते थे जिनको चर्च से कॉल आई थी यानी कि एक नए केस को उन्होंने हल करना था और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है